हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल चिकन दम बिरयानी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चिकन ली हूँ। चिकन दम बिरयानी बनाने से पहले चिकन को मसाला लगा के लेना है। मसाला लगाने के लिए सबसे पहले चिकन में ऐड करना है 1 चम्मच नमक, 1 नींबू का रस। अब चिकन में ऐड करना है 200 ग्राम दही। 700 ग्राम चिकन के लिए मैंने 200 ग्राम दही ली हूँ। दही ऐड करने से पहले दही को अच्छे से फेंट के लेना है। दही ऐड करने के बाद इसमें ऐड करना है 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम बिरिस्ता। बिरिस्ता कैसे बनाते हैं, इसको कैसे स्टोर करते हैं, ये मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। ये 150 ग्राम है। थोड़ा हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के रखेंगे। अब इसमें मिलाना है 2 चम्मच बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला है। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद इसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे बिरयानी में अच्छा कलर आता है, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करना है। अब इसमें मिलाना है 100 ग्राम तेल। तेल ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करके लेना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए चिकन को रेस्ट के लिए रखना है। आप ऐसे मसाला लगा के रात भर भी रख सकते हो। कम से कम 1/2 घंटा तो मसाला लगा के रखना चाहिए, जब भी बिरयानी अच्छी बनती है। अभी 1 घंटा हो गया है। आप जितना घंटा चिकन को मसाला लगा के रखेंगे उतने ही चिकन के पीसेस सॉफ्ट बनेंगे। अब चिकन में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए एक कोयले को गरम करके लेंगे। 1 फ्रेंड्स, इसे चिकन मसाले के अंदर 1 कटोरी को रखना है। अब इसमें कोयले को डालेंगे और कोयले के ऊपर 1/2 चम्मच घी ऐड करेंगे। इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ढक्कन लगा के 5 मिनट रख देंगे। अभी 5 मिनट हो गए हैं। अभी ढक्कन को निकालेंगे।
ढक्कन को निकालने के बाद इसमें जो कटोरी है इसको हम निकाल के लेंगे। चिकन हमारा पकने के लिए अभी रेडी है। अब एक पतीली में 2 चम्मच घी को ऐड करेंगे। घी को ऐड करने के बाद इसमें ये मसाला लगा के रखा हुआ चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे से भून के लेंगे। चिकन को तेज आंच पे भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे ऊपर थरी आना है, उतना चिकन को हमें भूनना है। मसाला भी अच्छे से भून गया है। आप जब भी बिरयानी बनाते हो थोड़ा जाड़ा तले का बर्तन लीजिए, इससे बिरयानी नीचे चिपकेगी नहीं। अब ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे चिकन को 80% तक पका के लेना है। कम से कम 10 मिनट ढक के पकाना है। चिकन को हमें पूरा पका के नहीं लेना है। अभी मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक चिकन को पकने छोड़ देंगे। अभी चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अभी ये ढक्कन को हटाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी 80% तक पक गया है। हमें चिकन को पूरा पकाना नहीं है, बाकी का 20% हम दम पे पकाएंगे। अब इसमें मिलाना है केवड़ा एसेंस। अगर आपको इसका स्मेल पसंद है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए, ये ऑप्शनल है। 4 से 5 बूंद, इससे बिरयानी में अच्छी खुशबू आती है। किसी किसी को इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करके। गैस बंद करके पतीले को साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम बासमती चावल ली हूँ। बासमती चावल को 2-3 पानी से अच्छे से धो के 1 घंटा पानी में भिगो के लेना है। अब जितना चिकन लेते हो उतना ही चावल लेना है, जब भी बिरयानी अच्छी बनती है। और 1 घंटा पानी में बासमती चावल को भिगोने से चावल खिले खिले बनते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिया गेट क्लासिक बासमती राइस ली हूँ। चावल को बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े से पतीले में 3 लीटर पानी को अच्छे से बॉईल करके ली हूँ। अब इसमें मिलाना है नमक 3 चम्मच, थोड़ा पानी नमकीन लगना चाहिए इतना हमें नमक इसमें ऐड करना है। अब इसमें एक नींबू का रस ऐड करेंगे। और 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे। नींबू का रस और तेल ऐड करने से चावल खिले खिले बनते हैं। अब इसमें खड़े मसाले ऐड करना है।
खड़े मसाले में यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी, 10 से 15 काली मिर्ची, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 लौंग, 1 चक्री फूल, आधा चम्मच शाहजीरा, 1/3 जावित्री ली हूँ और 2 तेज पत्ते को ऐड करेंगे और 3 हरी मिर्ची को बीच में से थोड़ा चीरा लगा के ऐड करेंगे। अब इसमें चावल को ऐड करेंगे। थोड़ा सा पुदीना ऐड करके थोड़ा मिक्स करके लेंगे। चावल को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अभी चावल को चेक करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने लंबे लंबे पके हैं। चावल को हमें 80% तक पकाना है। थोड़ा एक कनी रहना चाहिए, सिर्फ उतना पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ा हाथ से लेके देखिए, थोड़ा टूटना चाहिए ऐसा। अब चावल को एक परात में निकाल के फैलाएंगे। चावल को ऐसे 1-5 मिनट परात में थोड़ा फैला के रखना है। इस समय आप ये खड़े मसाले को निकालना है। ये मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। आप खड़े मसालों को एक कॉटन के कपड़े में डाल के एक पोटली बना के ऐड कर सकते हो। चिकन में पुदीने को ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिरिस्ता, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके ऊपर चावल को ऐड करेंगे। सारे चावल को ऐड करने के बाद इसमें 4 बूंद केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 8 से 10 केसर के धागे को थोड़ा गुनगुने दूध में भिगो के रखी हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे, इससे बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी अच्छा आता है। अब इसमें मिलाएंगे पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, बिरिस्ता, एक चम्मच जितना ऑरेंज फूड कलर थोड़ा पानी में घोल के ऐड करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रीन कलर भी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। चाहे तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। और 4 चम्मच घी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, एक कॉटन का कपड़ा या टॉवल कुछ भी ले लीजिए। पतीले पे कपड़े को डालेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे।
चिकन दम बिरयानी को तवे पे दम करके लेंगे। तवा गरम करना है, तवे के ऊपर ये पतीले रखेंगे और पतीले के ऊपर कुछ भी एक भारी वाला बर्तन या पत्थर रख दीजिए। पांच मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे दम पे रखना है। थोड़ा तवा गरम होने तक 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है। 5 मिनट हो गए हैं, अभी 10 मिनट तक लो फ्लेम पे चिकन दम बिरयानी को दम होने देंगे। बिरयानी को दम होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अभी गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन दम बिरयानी बनके रेडी है। आप गर्मा गर्म चिकन दम बिरयानी को कचुंबर के साथ या दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हो। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आसमा फिरजादे इंडियन ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।